बच्चा पल रहा है बिना वास्ते रहमत, बच्चा पल रहा है बिना रहमत यानी बिना वास्ते रहमत ना पल रहा। अच्छा अखा खोलने के बाद वो चौक दें, अच्छा बिन वास्ते रहमत की मिसाल बयान की। अगर जो जुनून मिश्री सारी आपको रहमत आप किनारे किनारे जा रहे हैं की वेख लेने एक अठू है ओनू बड़ी भाजत पई हुई भजे ओ आप पीछे टुर पे बैठू है की भाजत पई हुई ओदे पीछे पीछे टुर पे अगे कुछ फासला चल के ते ओ दरिया पार करना चाहता परेशान है पर मैं कि में पार कुम आ जाता जैसा ओ कुम में उत्ते सवार हो जाता ओ फिर दरिया नू पार करता है पार करके फिर दूसरी समत उस भजना शुरू कर दिता आपने कश्ती जरिए पीछा किया ओदा ताकत किया करता की है फिर देखा वो जाता कुछ फासले से जाके वेख्या एक नौजवान है सप ने सप गालब है वो मगलूब है बड़ा घबरे है सप ने हमला करना चाहता है वो अपना दिफा कर रहा है उठे उठे जाकर अठूआ जरा उसने सप नु डंग मारिया सप ने अठूए निवाला बना लिया वो दोवे किसी की जहर नाल मर गए नौजवान बच गया वो जो खुदा की रहमत हुई है रहमत हुई है बिल वास्ता यानी अर्रहम यानी अर्रहमान तो मुराद रहमत है बिला वास्ता अर्रहीम तो मुराद रहमत है बिल वास्ता। कितनी तफसील हो गई दो दो तीसरी तफसील समाप्त होगा फरमाया तीसरी तफसील ये है कि अल्लाह पाक फरमाया कि अर्रहमान मेरे बंदे तू गुनाह करता रहना ना ते मैं तेरे गुनाह ते पर्दे पांदा रहना मैं रहमान जी तू गुनाह करदा रहना मैं पर्दे पांदा रहना ते फिर फरमाया कि अर रहीम फिर मैं कर पर्दे पर्दे विच माफ कर देना अर रहीम तो मुराद है रब दा माफ करना अर रहमान तो मुराद है रब दा साडे उत्ते पर्दे पाना पर्दे पाना है ए यानी किसी तफसील हो। अच्छा चौथी तफसील समझ लो दुनिया उत्ते अल्लाह ताला दी अर्रहमान तो मुराद यानी है कि दुनिया उत्ते अल्लाह ताला दी रहमानियत दा ज़हूर है रहमानियत की मतलब कि सारिया दे रहमत हो रही है रब नु कोई मन्ने ना मन्ने रहमत रब दी सारिया ते हो रही आखिरत भी रहीमियत दा ज़हूर होवेगा अल्लाह पाक फरमाएगा वम तादुल यौम अय्युहल मुजरिमून ओ मुजरिमों बखरे हो जाओ हूँ थोड़े से रहमत हो सकती हूँ सिर्फ मेरे महबूब के गुलाम से रहमत होनी है थोड़े से रहमत होनी नहीं नहीं इसी मिसाल समझो एक जाटीदार आदमी ओ जनाब कणक जिस कटदा ते ओदे विच जो भी घास वगैरह हुंदा सारा कुछ अच्छा चलो उगान छड्डो ओ जेड़ा गो वगैरह है ओ भी पल रहा है ओ दाने भी पल रहे खाद खुराक दोनों बराबर मिल रही है जिसमें कण है ना कणक उसमें कणक कणक के भो गो जेड़ा भाग कणके दे ओ गो दा हो सकदा नहीं जेड़ा भाग मुंजी दा पराई दा हो सकदा नहीं ए हिसाब है रब ने फरमांदा आखिरत भी ये रहना करार रहीम इदा गो देता ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਾਰੋ ਚਾਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਨੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਮਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਫਸੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲਮ ਬੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਫਸੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰਜਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਮਝ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਖੋ ਤਫਹੀਮੁਲ ਕੁਰਾਨ ਤਫਹੀਮੁਲ ਕੁਰਾਨ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਤਫਹੀਮੁਲ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੂੰ ਪਾਓ ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤਫਸੀਰ ਕੀਤੀ ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੁਬਾਲਗੇ ਦਾ ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀਗਾ ਮੁਬਾਲਗੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੋਲਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਬਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਆਖਣਾ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੈ ਮੁਬਾਲਗੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਜ਼ਾ
अर्रहीम। अच्छा इधे ते भी इतराज है, रब दा ना इजाफी नहीं, ये देखो कितनी शान है रहीम दी, वो अल्लाह इजाफी है, इजाफी नहीं। लेकिन इस तो असल इतराज केड़ा है, वो इतराज इस बात की है, मुनादे इस्लाम हजरत मौलाना सूफी लखनऊ साहब रहमत अल्लाह और पत्थरपुरा आप उसका मिजाज है, और आपने इस चुके मुआखदा किया, फरमाया कि देखो मदूदी की लिख रहा है, मदूदी लिख रहा है कि देखो भाई जिस तरह ना एक बंदा लंबा हो तो चौथा लंबा हो, तो बंदे कहे लंबा तिरंगा, लंबा तिरंगा। अर्रहीम दी मिसाल तिरंगे ना दिखती है, दसो ये बेअदबी खुदा दी है या नहीं, कोई है या नहीं, शौक ना रखो लिखारियां तफसीलां पढ़िया ना ना, और बेरिया अपनी तफसीलां पढ़ ले तो मुन यही टाइम जो जा दूजे पते पर तुम जान की लोड़ राड़ी नहीं नहीं ऐ देख ले यही तफसील है ये तो अभी लफ दे काफी लफ दे। अच्छा अच्छा आओ आओ कसी पछने या अल्लाह तेरी रहमत का जिक्र कीता है, तेरी रहमत है कि सवाल है ना, या अल्लाह तेरी रहमत का जिक्र कीता है, तेरी रहमत है कि अल्लाह करीम हमार मेरी रहमत सुनो भाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हां मेरी रहमत है ये सुना ना, ला इलाहा इल्ला कोई नहीं, ला इल्ला कोई नहीं इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह दी ज़ात सिवा कोई माबूद है, ये ला नाफी ला कोई नहीं, रब ए मा नाफी है मा, वमा अरसलना का महबूबा मैं तो नहीं दे दिया इल्ला इत्तबिल्ला वत्तबिल्ला इत्तबिल्ला वत्तबिल्ला इल्ला रहमत लिल आलमीन, महबूबा मैं तो तेरी रहमत बना के भेजा। नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, नारे रिसालत सैयदी मुर्शदी या नबी, नारे ताकीद नारे हैदरी। तवज्जो फरमाओ, रहमत जेड़ा लफ्ज़ है रहमत, फरमाया कि मेरी शान है रब्बिल आलमी, मेरा महबूब है रहमतुल लिल आलमीन, फरमाया जिदे जिदे वास्ते मैं रब हां ओदे वास्ते मेरा महबूब रहमत। अच्छा देखो देखो जेड़ा रहमत है ना ये रहम क्यों निकलिया, रहम रहम का माना ये रहम करना, तवज्जो करो राहिम कौन कर सकता है, छाड़िया राहिम कौन कर सकता है, राहिम करने वास्ते ओदियां चार शाना होनियां जरूरी, छाड़िया जाना वास्ते देखो देखो एक के जेड़ा राहिम है ना ओदा जिंदा होना जरूरी, ओदा जिंदा होना जरूरी है, ओ जेड़ा जिंदा ही नहीं उस राहिम की करना जिंदा होना, यानी साडे आका जिंदा ने बादा बसाल फिर भी जिंदा ने ते जिंदा है ते रहमत है ना, रहमत दे करना आपका कलमा पढ़ रहे हैं ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एदा एक नहीं माना कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल थे, इलाही मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, हुजूर जिंदा ने आला हजरत अजीम अल बरकत ने क्या खूब फरमाया, तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है। एक मसला याद हो गया, इस रहमत लिल आलमीन में तो एक मसला साबित है, साडे आका जिंदा है, साडे आका जिंदा है। दूसरा मसला के साडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते ने, गैब यानी जिथे जिथे कोई परेशान है सरकार पे जानते ने, सरकार उसे रहमत कर रहे ने, सरकार उसे रहमत कर रहे ने। अच्छा अच्छा जेड़ा जानते नहीं भाई उस रहम की करना, इन पता ही नहीं उस रहम की करना, और वो अच्छा ये हो गया दो शामा। तीसरा मसला के साडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा इख्तियार नबी ने, बा इख्तियार नबी ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा